ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अपने को ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अभी देखो एक एक करके पहले हम लोग डिसाइड करते हैं। ट्रायल बैलेंस इंश्योरेंस आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में जाएगा। यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है तो टिक कर लेते हैं। सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर असेट्स और डेटर्स असेट्स, कैपिटल अकाउंट पीसीसी। ठीक है, फिर बैंक लोन के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, ये लाइबिलिटी में जाएगा, इंटरेस्ट पीसी में जाएगा और बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखो अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, बराबर है ना। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका एक इफेक्ट डायरेक्ट पीसी में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट से। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो असेट्स में जाएगा। ठीक है, एक ही इफेक्ट जाएगा इसका, भले एडजस्टमेंट हो फिर एक ही इफेक्ट। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, 15 महीने के लिए, और 14,008 किया है तो माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस होगा। और सेकेंड इफेक्ट जो है वो आपका असेट्स में जाएगा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तो मैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर टिक कर रहा हूँ, इंश्योरेंस के भी ऊपर टिक, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर एक टिक होगा। ठीक है, और ये आपको पता है कि इसमें से असेट्स में से माइनस होता है और सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो आपका पीडी में जाता है। राइट ऑफ 1000 बैड डेट एंड मेंटेन ऑलरेडी 5% ऑन सैंडरी डेटर्स, तो सैंडरी डेटर्स में से माइनस होगा और सेकेंड इफेक्ट आपका पीडी में जाएगा। क्लियर, तो मैं वो सैंडरी डेटर्स के ऊपर 2 टिक कर देता हूँ, सैंडरी डेटर्स के ऊपर 2 टिक कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे, ये सम बहुत इजी है ना, और फटाफट अपना ये सम हो जाएगा। क्लियर, सबसे पहले मैं पोस्टिंग करने शुरू कर देता हूँ। पहला मुझे पोस्टिंग है इंश्योरेंस का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है वो 15,000 है, तो मैंने यहाँ पे 15,000 लिख दिया और एक प्लेस छोड़ दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो असेट साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अभी यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग में कैसा होगा, तो पहला लिखेंगे ओरिजिनल। अभी देखो वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दिया है पर एडिशनल 20,000 है, मतलब इसका मतलब ओरिजिनल 30,000 होगा, और फिर नीचे लिखने का एडिशनल। अभी एडिशनल कब हुआ है, तो 1 जुलाई 2018 को हुआ है, वो होगा 20,000, और इस तरह इसकी टोटल जो है वो होगी 50,000, और फिर हम लोग एक प्लेस डेप्रिसिएशन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सैलरीज, अभी सैलरीज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा टू सैलरीज, तो कितना है सैलरीज आपका 5,000। ठीक है, उसके बाद कौन है एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो सैलरीज के नीचे लिखेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है 2,500। क्लियर, उसके बाद क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट है 1,000। इसको मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ और एक जगह छोड़ देता हूँ, क्यों वो आपको बाद में बता देता हूँ। उसके बाद है फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर कितना है फर्नीचर मेरा 40,000, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है तो एक प्लेस छोड़ देता हूँ। और फिर है हमारे डेटर्स, तो डेटर्स है 26,000 और इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है इसीलिए 3 प्लेस छोड़ देते हैं। फिर कैपिटल, नाना नानी का कैपिटल, तो यहाँ पे बाय बैलेंस नाना का कैपिटल 50,000, नानी का कैपिटल 50,000। उसके बाद है 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन लाइबिलिटी में आएगा, उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, बराबर कि नहीं, कितना है 10% बैंक लोन 30,000, इनर कॉलम में लिखना है, और वो हम लोग ने लिया था 1 अक्टूबर 2018 को, और फिर एक प्लेस मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, तो हमारा इंटरेस्ट कितना है अभी 1,500, तो हम लोग यहाँ पे 1,500 लिखेंगे। फिर बिल्स पेबल लाइबिलिटी में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिल्स पेबल, हमारा बिल्स पेबल कितना है 8,000।
क्लियर। अभी हम लोग ये सब मैंने पोस्टिंग कर दिया, अभी ये आपको पता चल गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखा, बराबर है। अभी देखो उन्होंने डायरेक्ट अपना एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 34,500। अगर इसका एक्चुअली दो इफेक्ट अगर देने हो गए तो एक इफेक्ट इधर आता था, एक इफेक्ट इधर आ जाता था, बराबर ना। पर अभी उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ही नहीं बोला, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34,500। फिर क्या लिखा, इंश्योरेंस फॉर 15 मंथ्स। तो अभी अपने को वर्किंग नोट करना है। देखो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना जगह बाकी है, तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, मुझे इतनी जगह की। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे है, कितना है इंश्योरेंस हमारा 15,000, और उन्होंने क्या बोला 15 मंथ्स के लिए होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1,000 हो गया। उन्होंने बोला कितना, 15 मंथ्स के लिए भरा है ना, 1,000। अभी हमारे साल के महीने कितने होते हैं, 12। इसका मतलब करंट ईयर के कितना होना चाहिए, 12,000। क्लियर, तो इसका मतलब 15,000 में से 12,000 जाते तो एक्स्ट्रा कितना है, 3,000। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 3,000, और आउटर कॉलम में आपका आएगा 12,000, और फिर ये 3,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे असेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखा है वो लोगों ने, उसके बाद हम लोग का डेप्रिसिएशन है। अभी देखो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बिल्डिंग। देखो आपका जो ओरिजिनल बिल्डिंग था वो कितना था, 30,000। तो 30,000 के ऊपर आपका पूरा का पूरा 10% आएगा, क्योंकि पहले से ये बिल्डिंग है वो, इसका मतलब वो आएगा 3,000। और उसके बाद था एडिशनल, एडिशनल आपका था 20,000। 20,000 के ऊपर भी 10% ही आएगा, पर ये आपने परचेस कभी किया जुलाई, तो अभी जुलाई से अपना मंथ्स गिनना शुरू कर दो। तो अगर हम लोग जुलाई से मंथ्स गिनते, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ्स होते, तो 9/12 करना पड़ेगा। ये जीरो गया, ये जीरो गया, बराबर है। तो 12 बराबर है, 1,500 आएगा। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 4,500 हो गया। फिर यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको लिखना है लेस डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1, 4,500। फिर 50,000 में से 4,500 गए, बराबर है, तो आपका आता है 45,500, बराबर है। फिर हम लोग फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, अच्छा बी। तो अभी फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा फर्नीचर है कितना, तो 40,000। फिर 40,000 के ऊपर कितना परसेंट, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन उन्होंने लिया 5%। तो अगर ये दो जीरो जाते हैं तो 2,000 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, तो कितना हो गया 2,000, तो ये 38,000। क्लियर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन। क्लियर। फिर हम लोग लिखेंगे फर्नीचर का 2,000 और लैंड एंड बिल्डिंग का 4,500, तो टोटल 6,500, बराबर है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना बैड डेटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे, तो उन्होंने लिखा है लेस बैड डेप्स। तो बैड डेप्स जो है वो कितना है, 1,000। तो आपका नीचे कितना आया, 25,000। फिर इसमें से लेस होगा आरडीडी जो है वो 5% बोले, बराबर है। तो वर्किंग नोट नंबर 3,
कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी, ऑफ आरडीडी। तो आरडीडी कैलकुलेशन करना है तो कितना अमाउंट है हम लोग का, तो वो है 25,000। 25,000 के ऊपर कितना परसेंट, 5%। तो ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए, 12, तो 1250 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1250। फिर वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, ओल्ड बैड डेब्ट्स कुछ भी नहीं है, न्यू बैड डेब्ट्स था 1000 और ये आपका आया 1250। तो ये आपका आ गया 2250, बराबर है, 2250 आया। यहाँ पे ओल्ड आरडीडी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 2250। क्लियर। अभी इसके बाद हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट आएगा आपका, क्योंकि अपना ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक है 34,500। अब सिर्फ एक अपना एडजस्टमेंट बचा है बैंक लोन का, जो 10% बैंक लोन लिया है उसका, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बराबर है। तो अपना बैंक लोन देखो कितना है, अपना बैंक लोन है 30,000। 30,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 10%, बराबर है। और कितने मंथ्स के लिए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 मंथ, तो 6/12, बट ये जीरो गया 12, तो आपका 1500 आना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे आपका इंटरेस्ट दिख रहा है 1000, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, शायद वो इंटरेस्ट उसका ही होगा और बाकी किसका होगा अपने को पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं है। फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे, अपने को इंटरेस्ट पेएबल करना है टोटल 1500। तो मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ, ये 1500 होगा, क्लियर, ओके। फिर यहाँ पे आपको आना है और लिखना है इंटरेस्ट पेएबल 500, तो 30,500। अभी यहाँ पे दो व्यूज आ जाते हैं, कोई लोग क्या सोचते हैं कि ये इंटरेस्ट अलग कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बराबर है कि नहीं, ओके। अगर स्पेसिफिकली लिखते तो हम लोग को भी समझ में आता, तो एग्जैक्टली कितना है देखते आगे जाके, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल 500 पकड़ रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। इतना होने के बाद मेरी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, अब मुझे टोटल मारना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका टोटल मारूंगा, तो ये जो टोटल है वो है मेरी 36,000, ठीक है। फिर 36,000 में मैं अपना इसका टोटल करूंगा, ये जो कितना अमाउंट है उसका टोटल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो देखते हैं, 2250, 12,000, इसके बाद 5,000, इसके बाद 2500, फिर 1500 और 6,500, 0, 5, 17, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बराबर है। तो ये 1500 आएगा इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि अपने को ये इंटरेस्ट उनका है नहीं, वो अपने को पता नहीं है, तो वो यहाँ पे 1500, 2500, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका टू नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5250, 36,000 में से अगर सब माइनस करते हैं तो, क्लियर, ओके। अभी ये 5250 हम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनको बाय नेट प्रॉफिट
ब्रॉड डाउन। तो 5250 को डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे, इक्वली 5250 डिवाइड बाय 2, तो 2625 आ रहा है, 2625 बराबर है और 2625। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे 52625, फिर इसको यहाँ पे लेंगे सेम 52625, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 52625, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे 52625, इसकी टोटल होगी, ठीक है, 625 + 52625, तो हो गया 1,05,250, 1,05,250, फिर इसकी टोटल करो, $44,750। इस तरह ही हम लोग को क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का खत्म हो गया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 अपने को करना है।